हमारी, तो बेल्ट के पीछे क्लच प्लेट लगी होती है, बेल्ट के पीछे क्लच प्लेट है इसके पीछे। इसको ये आगे पीछे और कुछ ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है तो है ये सर, जब इसको ये लॉक को खोला जाता है नट बोल्ट, तो पूरी असेंबली बाहर आ जाती है पूरा पूरा। तो इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्यों करते हैं इसको? इसलिए लगाया जाता है, मान लो उसके नीचे कोई व्हीकल आ गया, गाड़ी बंद हो रही है, गेट में नहीं देखा, तो क्या हो, ये मोटर स्लिप हो जाएगी हमारी, अभी चल रही है ना ये, चलना बंद हो गया, इसलिए डी क्लच लगाया गया। एडवांटेज यही है कि मोटर पे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोड ना पड़े, जले ना, इसलिए लगाया गया। नहीं तो क्या हमें लगाने जरूरत है, डायरेक्ट में फिट कर दिया, मतलब ये इसको जबरदस्ती जाम कर दिया उस केस में, उस केस में वो भी होगा ना कि सर ये तो बेल्ट तोड़ देगा, बेल्ट खराब कर देगा, या तो डिक्लेयर, मोटर की लोड ज्यादा हुआ तो बेल्ट तो खराब कर देना है, और डिक्लेयर इसीलिए डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और ये सर ये ढीला भी होता है, तो इसलिए इसको हमेशा पकड़ के ये चीज पूरी बेल्ट पकड़ के ऐसे करके इसका एडजस्टमेंट क्या रखना पड़ता है, इसको बता रहा हूँ सर, ये अभी देखो इसको पूरा हाथ ये यहाँ से पकड़ के ऐसे पकड़ के यहाँ से इसको पकड़ टाइट किया जाता है, ये ये पूरा कितना टाइट रखना है, कितना लूज रखना है सर? अभी तो मैं कंपनी से बना हुआ है, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, जब ये लूज होता है मतलब गेट आप खड़ा हुआ है, बटन दबा रहे हैं, ये घूम रही है मोटर, ये चल नहीं रहा, उस कंडीशन में इसको टाइट किया जाता है। और ना टाइट टाइट किया, कभी कभी क्या होता है इसमें कई लोग तेल डाल देते हैं सर, तेल नहीं डालना, तेल अगर क्लच प्लेट में गई, पूरे में कहीं नहीं डालना ना, पूरे में कहीं नहीं डालना सर आपको, ये पिनियन में डालनी है आपको, ये बीच में पिनियन है लोहे की। कितने फ्रिक्वेंटली है सर? कुछ नहीं है, हल्का जैसे चलता है, कितने दिनों में मतलब ऐसा कुछ? अरे सर जब भी मेंटेनेंस करने हैं 10-15 दिन तब डाल देना। बेल्ट को टाइट कैसे किया जाता है? हम लोग बेल्ट टाइट देते थे, बेल्ट टाइट की जब लूज होगी तब टाइट की जाती है इस मोटर के नीचे। मोटर मतलब उसको ऊपर उठा दिया जाता है सिंपली। और मोटर अगर ये टाइट रहती ना सर, ये बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर ये होगा कि आपकी मोटर गर्म होगी, अगर बहुत ज़्यादा टाइट रही तो मोटर हार्ड हो जाएगी, गर्म हो जाएगी पूरी मोटर, मतलब उसको इसलिए नीचे की तरफ थ्रस्ट मिल रहा है, उसको इतना रहना चाहिए, बुल टाइट कर देंगे ना आप सब तो मोटर पूरी हीट हो जाती है, हीट होने पर जो उसका बैक साइड का पंखा है हमारा, पंखा लगाओ मोटर अंदर, वो शाफ्ट गर्म होगी, आर्मेचर गर्म होगा तो पंखे को गला देगा, इससे हमेशा इसको इतना ही कराया जाता है कि जितना चलता है। अब इसमें ये बताओ पेडेस्टल में किस तरह के फेलियर आते हैं?